वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल भाई। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। हम जा रहे हैं डलहौजी, पंचकूला से ऊपर एक जगह है गंजी पहाड़ी का ट्रैक। जैसे आप देख सकते हो ये गंजी पहाड़ी ट्रैक, दिस इज, और ये ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है सारा। ये गंजी पहाड़ी का ट्रैक है। पंचकूला से हम 15 किलोमीटर तक हम पूरा कर चुके हैं। ये ऊपर घना जंगल है। दिस इज 1.5 किलोमीटर ट्रैक ऑफ गंजी पहाड़ी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो नेटवर्क। पीछे लोग रह चुके हैं मेरे कुछ मित्रगण, बाकी आगे जा चुके हैं, और ये आगे वो साथी जाते हुए मेरे। मैं अकेला ट्रैक कर रहा हूँ साहब। ट्रैक बहुत लंबा है। चलते चलते गाइस मेरी नाव हो चुकी है। हमारे टीचर नीचे ही हैं, अभी मैम भी नीचे ही हैं। मैम लंच करने भी बैठे हैं। हम स्टूडेंट्स को भी भेज दिया हुआ है ऊपर, और देख सकते हो आप ये हमारे जो ड्रॉपन के बच्चे, ये पीछे हमारे मित्रगण कुछ। गाइस मेरे कुछ साथी मित्रगण, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हेलो भाई, हेलो। यहाँ कुछ बच्चे चढ़ रहे हैं। माय गॉड, नो नेटवर्क, नो इंटरनेट। गाइस गए जंगल में, मैं थक चुका हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ किधर जाने हैं, क्या करना है, आई डोंट नो। बट ट्रिप में बहुत मज़ा आ रहा है, वेरी अमेजिंग ट्रिप। मिल चुके हैं तो मैं मैम के पास जा रहा हूँ आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक। अभी आधा घंटा और बचा हुआ है। वी हैव कंप्लीटेड 1.5 किलोमीटर ट्रैक ऑफ गंजी पहाड़ी। अब मैं आपको पूरा ये व्लॉग बनाऊंगा। मैंने अभी नीचे कोई कुछ बनाया नहीं, डलहौजी को एक्सप्लोर नहीं करवाया है। मैं डलहौजी की शॉर्ट्स डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको अच्छे जम के सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे से देखो। मिलता हूँ आपको। फाइनली आई हैड टेक अ ब्रेक, मुझे दोस्त मिल चुके हैं। यहाँ मैं एक नाड़ू मिला है, यहाँ पानी पीने। आफ्टर फाइनली अ लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग ट्रैक ऑफ 2 किलोमीटर ऑफ द गंजी पहाड़ी, वी रीच्ड। माय गॉड, हालत ख़राब हो गई गाइस, आपको क्या बताऊं। गाइस व्यू इज वेरी अमेजिंग, आप देख ही सकते हैं। मैं इस अमेजिंग लोकेशन में पहुंच चुका हूं। अमेजिंग यहां से पीछे, वेरी अमेजिंग। डोरी जैसे सेक्टर में ऐसी ये ट्रैक पाना वर्थ इट है, बहुत बढ़िया है। अब एक बार ट्राई करना, अब बन रहे इस ब्लॉग में। देख रहे हो सामने आप वो सामने जो बड़ी बिल्डिंग है, वो आपकी वो DPS स्कूल डलहौजी है। ये पूरा डलहौजी दिखता है यहाँ से इस व्यू से। अमेजिंग इज़ वेरी व्यू। यहाँ हमारे कुछ मित्रगण रेस्ट करते हुए, आप देख सकते हो डलहौजी के बीच में ये पहाड़ों में आ चुका है। हम आ चुके अच्छे व्लॉग में, और हमारे मित्रगण कुछ इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए, और यहाँ नीचे हमारे कुछ आ रहे हैं। ये सारे बच्चे कॉलेज के इकट्ठे हो चुके हैं। हेलो कर दो भाई साहब सारे। गाइस मैम का वेट कर रहा था, मैं क्या क्या पूछ रहा था भाई। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक मैम पहुंचे नहीं है। अब बने इस व्लॉग में। गाइस काफी टाइम का वेट करने के बाद मुझे मैम मिल गए। फिर मैंने उनके साथ ढेर सारी बातें की, सर से सर भी बातें की मैंने, सर अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे हमको लाइफ के बारे में, कि लाइफ में आपके अपने आगे कैसे बढ़ना है। लिविंग फ्रॉम
दिस अमेजिंग लोकेशन गंजी पहाड़ी, दिस ट्रिप आर इज वेरी अमेजिंग, इज वेरी वर्थ इट, प्लीज़ विजिट, मस्ट यू हैव टू विजिट, अगर आप आ सकते हो तो आओ और आप इस डलहौजी की ट्रिप कर लो, जिस लोकेशन में आप अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। अब दोबारा से हमको नीचे उतरना पड़ेगा गाइस, यहाँ हमारे कुछ मित्र का नीचे उतरते हुए, ट्रिप में बहुत थक चुके हैं, अभी हमने और ट्रैक मारने चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं कुछ, यहाँ से आए ऊपर से आ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, हालत ख़राब हो चुकी है सबकी। भाई भी बोल रहे हैं थक चुके हैं सारे इस ट्रिप में। नीचे उतरने की तैयारी, वी आर लिविंग फ्रॉम डलहौजी, आपको आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा ट्रैक है 2 किलोमीटर्स का, रख लो आप 1.5 घंटा आपको लगेगा चढ़ने में, उतरने में आपको 1/2 आवर, आप बने रहिए इस ब्लॉग में। बताऊँ आपको मैं, बुरा हाल है, क्या बताऊँ, इस जंगल पहाड़ में इस ट्रैक को पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये पूरा जंगल है, इस जंगली पहाड़ को पूरा करने के लिए नीचे पूरा शहर है। ओह शिट, बसिया, खतरनाक रास्ता ऑफ रोडिंग वाला, बने रहिए आप इस ब्लॉग में। भाई साहब मैं तो अकेला चल रहा हूँ, आगे पीछे मेरे कुछ साथी चले हुए हैं आराम आराम से, टीचर्स भी पीछे हैं, मैं सबसे आगे चलाऊँ। माय गॉड, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। अ कंप्लीटिंग ट्रैक ऑफ 2 किलोमीटर आफ्टर फाइनली एंड वी रीच पंचपुला लोकेशन नियर डलहौजी। आप पंचपुला जाते हो तो आप एक गंजी पहाड़ी का ट्रैक ज़रूर मानना, इस बार फिर ये आप पंचपुला से ऊपर आपका ट्रैक आता है डलहौजी में है। गाइस ये पंचपुला, पंचपुला आप आ सकते हो, यहाँ पे डलहौजी से ऊपर है 5 किलोमीटर ऊपर, एंड वी आर लिविंग फ्रॉम डलहौजी। ये भाई भाई शॉप्स हैं, अमेजिंग शॉप्स, वही अमेजिंग शॉप्स, आप एक बार विजिट करो, कश्मीरी हैंडलूम्स, यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स वगैरह मिलते हैं, वूलन आइटम्स मिलती हैं, डू विजिट, एंड अमेजिंग कैफ़े, एंड मोस्ट ऑफ द मेन पॉइंट, पहाड़ों में आपको मैगी ज़रूर मिलेगी, जो आपको इस चीज़ की खोज में लगते हो आप, यहाँ से ऊपर आगे तो आपको यहाँ मैगी पॉइंट्स मिलेंगे, ज़िप लाइन्स मिलेगी, यहाँ से आपकी ज़िप लाइन होगी, और बहुत सारे एडवेंचर्स भी होंगे। बंडोए साहब इस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आपको पहाड़ों में जो डलहौजी में जैसी जगह में आपको मैगी पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, सारे टूरिस्ट मैगी पॉइंट की तलाश में ही होते हैं, यहाँ अमेजिंग शॉप्स हैं, एडवेंचर्स हैं, पैराग्लाइडिंग्स होती हैं। वी आर गोइंग टू खजियार, हम खजियार भी जाएंगे, वापस ब्लॉग में चुकी है, एंड वी आर लिविंग टू खजियार, वी आर गोइंग टू डैन कुंड काला टॉप। भाई यहाँ मैगी खाते हुए मारियाँ करती हुई हमारे भाई, भाई कैसा लगा भाई आपको ट्रैक? बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। भाई ट्रैक कैसा लगा लो जाके कैसा लगा आपको? दिल तो ऐसे गार्डन हो गया है। एनबी जी आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा है। ये हमारे भैया जी, ड्राइवर भैया जी, गाइस उसके फिर हम अपने घर को निकल पड़े, खजियार को जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो, आप लुत्फ उठाओ इस ट्रिप का, इस डलहौजी जैसे शहर में जर्नी का आनंद उठाओ। फिर गाइस हम इस पार्क में हम थोड़ा रुके, फिर हमने यहाँ शूट किया, यहाँ ये जो रोड जा रही है ये आपकी डलहौजी पब्लिक स्कूल DPS डलहौजी चंबा। रात के 8 बज रहे हैं, वी रीच फ्रॉम डलहौजी एंड फ्रॉम होम, एंड आई एम गोइंग टू होम।
गाय साहब के 9 बज चुके हैं, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, आपको बता नहीं सकता इतना लंबा सफ़र किया मैंने। गाइस होप करता इस व्लॉग में यही थी, इतना ही था इस व्लॉग में। होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, पीस एंड लव।